इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है। अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते, उनके डट के सामना कर पाते। फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ, जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और आप लोगों की नई वीडियो में। तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाना पड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हो आवाज़ ही कैसी है। मुँहपली खुदवाई थी, मुँहपली खुदवाने के बाद खंदवाई तो ज़्यादा मेहनत करी, इतनी मेहनत करी ना कि मुझे आप जैसे कोई बात नहीं, ठीक हो जाए आप लोगों का। तो आज की चर्चा करेंगे शिवानी कुमारी घर कमाई। तो भैया शिवानी कुमारी को देखो, फाइनल होएगो जो 2 तारीख है, तो 2 तारीख को फाइनल होएगा वहाँ पे बिग बॉस, तो वहाँ पता पड़े कौन जीतो कौन हारो। और बाकी बात, जितने जो लोग फाइनल में पहुँचे थे उन लोगों को पेमेंट भी मिलेगी बचे भाई, मतलब जितने लोग पहुँचे फाइनल में और फिनाले तक जितने पहुँचे उन लोगों को पेमेंट मिलेगी, वहाँ से पीछे वालों को ना मिलता बिग बॉस में। तो शिवानी को कितनी कम, हमारे हिसाब से 10-15 लाख पेमेंट मिल जाएगी। शिवानी कुमारी गरीब लड़की लोग पढ़े हैं नहीं कह रही थी, तो 15 लाख रुपए बहुत होता है। तो अभी बम्बई बोलो कमरा लेके रुके हैंगे अभिषेक के साथ, शिवानी कुमारी और अभिषेक कुमार दोनों लोग रुके हैं, और फिलहाल वो विशाल पांडे से मिल चुके हैंगे। तो अब देखो 2 तारीख को फिनाले है, देखो कौन जीते को आ रहा है। बाकी बात, शिवानी कुमारी बैठेंगी कानपुर, कानपुर के बाद अरियारी। तो जब वो अरियारी आ जाएंगे तो सब लोग जाके खूब सपोर्ट करो, मिलो। और अरियारी हमारे हिसाब से वो 4 तारीख को पहुँच जाए, कि 2 तारीख को फाइनल होगा, 2 तारीख शाम को बैठेंगे, 3 तारीख को घर है, एक दिन खानपुर के वो, उसके बाद में अपने घर अरियारी का और रैया में, ठीक है। तो सब लोग 4 तारीख के बाद ही शिवानी घर पहुँचें, ज़्यादा परेशान ना करें अब उनकी मम्मी को और उनके मतलब परवाल वालन को। 4 तारीख के बाद आप सब लोग पहुँचो, शिवानी कुमार बढ़ के सपोर्ट करो, बढ़ के एकदम स्वागत करो शिवानी कुमारी को, फुल स्वागत होएगा। और शिवानी कुमारी हमारी नज़र में और आपकी नज़र में बिल्कुल ना आ रही, कि शिवानी कुमारी फिनाले तक पहुँची और उन बहुत लोगों को दिल जीतो, तो हम सब की ये गलती से ना आ रही शिवानी कुमारी आ रही है, तो सिर्फ बिग बॉस की गलती से। बिग बॉस ने अपने वोट करे जब काउंट जब निकालो, और विशाल पांडे को बाहर के वोटों से निकालो, तो मतलब ये सब चालती निकालें इन लोगों को, पास से कुछ ना होते वो, कोई बात ना शिवानी आ रही, कोई दिक्कत ना है। निकल बिग बॉस, सब लोग बाइक आउट करो, जियो सिनेमाट बिल्कुल रील मारो। तो वीडियो में मतलब ज़्यादा ना बोलना चाह रहे, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हकीकत बता रहे, दवाई लेकर आए हैं, आवाज़ ही ना निकल रही है साहब, तुम्हें पता पड़ रहा होगा कि और वीडियो देखो और जा देखो आवाज़ ही अजीब होगी। तो दवाई 2 बार ला चुके और दवाई लेकर आएंगे। तो जब वीडियो मतलब जैसे अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े हमें सपोर्ट करो, थोड़े आगे बढ़ें, तो आप लोगों की बहुत कृपा होगी, क्योंकि हम भी जिला इटा से हैं। तो आप लोग औरैया कानपुर इटावा कासगंज है ना, एटा मैनपुरी फरुखाबाद आगरा, सब लोग सपोर्ट करो तो हम कुछ कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ, और उसका तो हम 1 तारीख को निकल भी जाएँ शिवानी के घर पर, तभी पहुँच पाएंगे हम, क्योंकि दूर है थोड़े। तो हम लोग भी आप लोगों को भी मुलाकात करेंगे जितने लोगों के सबसे। तो वीडियो ही एंड कर रहे, ठीक है, ज़्यादा लंबी ना करना चाह रहे, ठीक है, जो आप लोगों ने देख ही ली हुई है।